अभी अभी करवाऊं तो यार टीम अप क्राउन में हूँ मैं तो सोलो और डू में स्कॉड में क्राउन कॉन्कर इसलिए कहते हैं पीरो कोचिंग की अके बताओ मेरे दोस्तों ठीक है भाई आ जाता हूँ हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एमआरटी गेमिंग। जैसा कि आपने तो सुना ही होगा बंदा क्या ही मतलब गाने गा रहा है भाई लॉबी प्लेन पे भाई और बोल रहा है भाई पोशिंग की आने के लिए मतलब देख रहे हो गाने का सुर ना ताल भाई। लेकिन जैसा वो बंदे ने बहुत अच्छा गाना गाया आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना भाई लोग कि आपको कैसा इसका गाना लगा भाई। और ये हमें बुला रहा था पोचिंग की आ जाओ पोचिंग की आ जाओ इसीलिए हम लोग पोचिंग की आए। देखिए आगे फिर क्या होता है। ये भाई सब निहत्ते भाग रहे थे। देखो गाइस अब देखना गाइस आगे दो बंदे इतने मतलब नूबड़े या क्या बोलूं मैं इन्हें क्या मतलब कौन सी नींद की दवाई या क्या भाई क्या नशे करके आ गए पता नहीं। देखो एक संग दोनों मतलब घुसे जा रहे थे भाई दोनों एक साथ। अब यहाँ पे मेरा बंदा बोलता है भाई सामने देखो बंदा टीपीपी ले रहा है। मैं बोल रहा दिख गया भाई बंदा मुझे बस पता ही नहीं भाई वो देख कहाँ रहा था मुझे मालूम नहीं। वो सामने लगता कोई बंदा हो गया या बॉट को ताड़ रहा था भाई उतने में मैंने उसे नॉक कर दिया। फिर भाई मुझे आई फुटस्टेप लेफ्ट से मेरी आवाज़ बंदा छत पे टीपीपी ले रहा था वो भी उसका ही बंदा था भाई पर मैंने इसको पहले फिनिश कर दिया ताकि कोई गुंजाइश ना बचे भाई इसको बचने के। ये देखो और उतने में मेरा बंदे को ये नॉक कर देता भाई मेरा बंदा पता नहीं क्या कर रहा था भाई। फिर मैं इस पे रश मार देता हूँ फिर मैं यहाँ पे रुकता हूँ बस वो ड्रिंक्स मार रहा था भाई कोने में बैठ के। ये देखो बस इसका भाई काम यहीं पे मैं तमाम कर देता हूँ और जाके देता हूँ अपने बंदे को रिवाइव। ये भाई कभी कभी सही खेल जाता मेरा बंदा कभी कभी नूबड़ो ऐसी हरकतें करने लगता भाई पता नहीं क्यों। अब देखोगा इस आगे यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आते भाई सुनाई देते बंदे की मतलब दो बंदे होते भाई यहाँ पे। देखो क्या ही मतलब ये कर रहा था भाई देखना आगे देखो बस वीडियो में। मतलब हेडफोन भी ये यूज़ नहीं कर रहा था बंदा मुझे लगता है किस तरफ से बंदे आ रहे इसे कोई मतलब अंदाज़ा तक नहीं था। देखना भाई मैं इसे कैसे मारूँगा। ये भाई साहब बॉट के पीछे पड़े हुए थे भाई फिर मैंने इसको देखा कि हाँ भाई चलो ये बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा ही मगन हो चुका है बॉट को मारने में यही सही मौका इस पे ढुक जाने का भाई। यहाँ से मैंने भाई इस पे जंप लगाया भाई इस देखो भाई कैसे मैं मारता हूँ इसको जंप लगाया और देखो बंदे देख कहाँ रहा है बंदा। देखो उसने वहाँ पर बॉट फिनिश किया यहाँ पर इसका मैंने तमाम कर दिया भाई काम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी भाई एकदम फटाक से इसको फिनिश टच दे दिया भाई मैंने। पर इसका बंदा भाई नीचे ही था और मुझे लग रहा था भाई बहुत डर। फिर मैं यहाँ पे आके भाई थोड़ा हेल्थ करने लगा भाई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बंदे के फुटस्टेप्स मुझे आते हैं भाई बंदा ऊपर रहता मेरे हाथ में थे यूजी भाई स्मोक मैं पहले उसको एक डराने की कोशिश करता हूँ कि बंदा जंप मार दे पर वो स्मोक मैंने टांगता हूँ सोचता हूँ नेट का जैसे डर जाए पर वो उसका काम नहीं बनता भाई। फिर मैं स्मोक अंदर फेंकता हूँ ताकि वो उसका मतलब ध्यान भटक जाए भाई ताकि हम लोग घुस के उस पर रश मार सके। मैं बोलता हूँ अपने बंदे को भाई चल यही मौका है रश मार देते बंदा स्मोक किया मैंने उसमें वो ये रहेगा भाई। तो मैं अपने बंदे को बोलता हूँ तू आगे घुस तुझे अगर बंदा नॉक भी करता है तो मैं उसको पेल दूंगा अच्छे से भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। बंदा भाई एकदम कोने में ढुका हुआ रहता भाई जैसा कि मैंने सोचा था भाई उसे स्मोक मतलब भाई मुँह पर स्मोक पड़ा था भाई उसका एकदम वो स्मोक से कन्फ्यूज था। बस यहीं पर बॉट भाई आते भाई फ्री का किल देने के लिए फ्री का किल कौन छोड़ता है भाई। बस जैसे ही बॉट भाई मैंने वैसे ही पेल दिया भाई को। अब यहाँ पे दूसरे बॉट भाई जब हम लोग जा रहे थे यहाँ पे आगे देखो भाई क्या होता है। फिर भाई इसको लूटने के बाद भाई जानते ही हो भाई यहाँ से निकल जाते हम लोग अपनी बग्गी उठाते बोलते चल भाई निकल
यहाँ से हम लोग बग्गी लेते हैं, यहाँ पे रुकते भाई, यहाँ पे यूएस खड़ी हुए थे, यूएस को लेते भाई, यहाँ से निकलते हम लोग और फिर जाते हम लोग कहाँ, जॉर्जिया पुल। बट जॉर्जिया पुल में कोई रहता नहीं है भाई, ऊपर से देखते फिर एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ से जाता है, हम लोग उसका पीछा करते भाई। मैंने उसको शॉट दिए पर पता नहीं क्या मेरा नुबड़ा ऐसा एम भाई, पता नहीं कब मैं सुधरूंगा, कब मैं प्रो बनूंगा। फिर मैंने इसको भाई डीपी से बहुत शॉट दिए, गाड़ी एकदम डैमेज थी भाई, बंदे को डैमेज भी पड़ा था पर बंदे का कुछ भी नहीं उखड़ा, उखड़ेगा भी कैसे गाइज, हम लोग जैसे नूब से भाई कुछ होगा नहीं। फिर हम लोग आते भाई ड्रॉप पे, मेरा बंदा गाड़ी चलाता है नुबड़ा जैसा। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही आते भाई, यहाँ पे ड्रॉप गिरी हुई होती और सामने ही मैं देखता हूँ गाड़ी लगे भाई, यहाँ पे फट के चार्ज रहती अपनी भाई, बंदा एकदम ओपन। फिर देखो मेरा बंदा कैसे नुबड़ो, मतलब ऐसा नुबड़ो वाली हरकत करता ना भाई, ये देखो सामने बंदे के एकदम रोक देता भाई, देखो बस बंदा मुझे पेल ही देता भाई, मैं बच गया यहाँ पे बहुत किस्मत से। और बंदे और उसका एक बंदा जो लेफ्ट में कूद के वो वाले घर में गया भाई, लेफ्ट वाले घर में मैंने देखा उसे, बट भाई वो तब तक घुस चुका था घर में। बस मैं बोला चलो भाई इसे फिनिश करके उसको खोजते हैं, घुस गया मैं ऊपर इसको फिनिश करके भाई, फिर देखता हूँ बंदा उसका कहाँ गया। बहुत खोजा भाई हम लोग ने, बहुत ढूंढा भाई फिर भी नहीं मिला। फिर मुझे दिखा भाई बंदा गाड़ी लेके, वही बंदा भाग रहा है भाई, देखो मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ, बट जैसा कि नूब स्प्रे भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर देखो भाई एक बंदा आया, और मतलब ये दूसरा बंदा था जो आ गया भाई गाड़ी ले, एकदम घुस गया भाई। देखो इस पर ही मैं शॉट्स लेता हूँ गाइस, पर इसका भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाता हूँ भाई, देखो ये भाई किस्मत से भाई बच जाता है। उसके बाद भाई वहाँ पे फाइट होती, शायद वो एक बॉट को मारता है भाई, पहले वाला बंदा जो डासिया पे लेके गया था भाई, वो किसी बॉट को मार रहा होता। मैं बोला बंदे को अपना, चल भाई तू गाड़ी लेके जाओ, वैसा मैं जिस तुझे बलि का बकरा बनाऊंगा, तुझे आगे, तुझे अगर वो बाई चांस नॉक करता तो मैं संभाल लूँगा। और जैसा कि मैंने सोचा था गाइस, मेरा बंदा घुसा और वो मतलब जाल में हमारे फंस गया, उसने जंप लगाई छत से और मेरे बंदे को मारने के लिए वो कूद गया, पर उसे कहाँ पता था गाइस कि मैं पीछे ही हूँ। फिर मैंने इसका यहाँ पे गेम बजा डाला गाइस, और जैसा कि मेरा बंदा नॉक था, मैंने उसको बोला घर में घुस जा भाई, मैं आके रिवाइव देता हूँ। फिर आगे देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पे मैं अच्छे से देखता हूँ, कोई नहीं, वो बंदा सामने ही रहता भाई। मैं यहाँ पे एक रैंडम नेट करने की कोशिश करता हूँ, पर देखो गाइस कोई फ़ायदा नहीं होता, ये हवाई में बम फट जाता है भाई, ये देखो मतलब क्या ही कहने मेरे एकदम। फिर मैं अपने बंदों को यहाँ पे रिवाइव देता हूँ गाइस, गाइस यहाँ पे रिवाइव दे देता हूँ, फिर जाके मैं पीता हूँ यार ड्रिंक्स, थोड़ी एनर्जी बढ़ाता हूँ यार, बहुत एनर्जी घट जाती है यार, समझा करो। बस यहीं पे वो जंप लगाता भाई, उसका काम हो जाता है तमाम, और इसकी बन जाती है भाई पेटी, और हम लोग जाके उसकी पेटी लूट के फिर बोलते हैं चलो अपना काम बन गया, यहाँ से निकलते हैं भाई, गाड़ी उठाओ पतली गली पकड़ लो भाई, चलो फिर हम लोग यहाँ से भाई निकलते हैं। फिर जैसे ही भाई हम लोग यहाँ पे पहुँचते वैसे ही भाई देखो ना बंदा मेरा फिर से वही गलती करता, एकदम मौत के मुंह पे लाके खड़ा कर देता है भाई मुझे, देखो ना वेस्ट है भाई, एकदम डैमेज वेस्ट, डैमेज हेलमेट भाई, एकदम भाई काम मेरा तमाम हो ही गया था भाई, बच गया मैं, बस मेरे बंदे ने फिनिश कर दिया उसे भाई। मतलब मेरा बंदा ना मौत से खेलने वाला बंदा है, देख रहे हो टक से मौत को छू के वापस आ गया मैं, एकदम मतलब मौत के मुँह पर ला के खड़ा कर दिया था भाई इसने। यहाँ पर मुझे भाई रिवाइव देता है और भाई हेल्थ करके, जैसे भाई यहाँ पे शॉट्स आते भाई कार 98 के भाई, देखो बंदा मतलब मतलब ये देख रहे हो बग्गी फोड़ने की कोशिश कर रहा है भाई, वो रहता पहाड़ पे, मुझे मैं उसे देखता हूँ भाई, देखो फिर मैं उसको शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ भाई M4 से, देखो भाई फिर क्या होता है। जैसा कि भाई मैंने बोला टट्टी स्प्रे मारूँगा भाई, देखो उसे उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता हूँ मैं, मेरा बंदा उछल उछल के पता नहीं क्या जताना चाहता है भाई। सामने हुई है ड्रॉप, फिर मैं बोलता हूँ चल भाई देखते हैं उसे क्या होता है, गाड़ी निकाल लेफ्ट फ्लैंक मार के चलते हैं। देखो भाई स्प्रे, देखो देख रहे हो स्प्रे भाई, एकदम कमाल का स्प्रे मारता हूँ भाई, देख रहे हो ना। फिर गाइस हम लोग यहाँ पे यूएस लेते हैं
और निकल जाते हैं भाई आगे की तरफ। बंदा एकदम रिज के ऊपर होता है भाई, ये देखो वाह क्या गाड़ी ठोकी है भाई। फिर यहाँ से हम लोग भाई जाते हैं, देखना भाई मेरे पास हेलमेट भी नहीं है और वेस्ट भी पूरी डैमेज है, फिर आगे देखो क्या होता है मेरे साथ। गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे लेटता हूँ भाई, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लेटता हूँ उसे मैं जस्ट मारने की कोशिश करता हूँ, फट से हेडशॉट पड़ जाती है भाई मुझे। फिर क्या था भाई, मेरा बंदा आके मुझे रिवाइव देने को मैं बोलता हूँ, बंदा वो पत्थर के पीछे कवर ले रहा था भाई, वो सोलो बंदा था बचा था भाई। फिर मेरा बंदा मुझे रिवाइव देता है और देखो गाइस आगे मैं क्या करता हूँ उसका। फिर मैं निकालता हूँ भाई इसके बाद डीपी, मतलब डीपी की भाई तो डैमेज आप जानते ही होंगे। फिर देखो मैं उसका क्या करता हूँ, उसको मैंने दिया फिनिशिंग टच और उसे भाई कर दिया मैंने ऊपर वाले को प्यारा। फिर यहाँ पे उसका ड्रॉप मतलब भाई उसकी पेटी वेटी लूट के भाई एकदम सामने देखता हूँ, बंदे भाई अपने में फाइट कर रहे हैं, एक बंदा दौड़ रहा होता है भाई। मैं उसे भाई डैमेज तो बहुत देता हूँ पर वो रीच के वजह से, वहाँ पे कुछ रीच होती है उसके वजह से बच जाता है भाई वो। फिर देखो भाई एक पेड़ के सटे मतलब पेड़ में सट के मतलब क्या ही कर रहा था भाई वो, उससे भी मैंने शॉट दिया भाई, फिर भी वो मतलब उसका भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया भाई। फिर हम लोग सोचते चलो आगे चलते देखते बंदे लोग कितने बंदे और क्या कर रहे हैं भाई। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ चल यहाँ पे बंदा है भाई। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई देखते यहाँ पे फुटस्टेप्स आते हैं बंदे के हमें भाई, बहुत देर से भाई इन पे मैं मतलब यहाँ पे रैंडम नेट्स करने की कोशिश करता हूँ, शायद एक नेट कनेक्ट हो जाए पर नहीं भाई, एक भी नेट कनेक्ट नहीं होता ठीक है ना। और बहुत ही देरी के बाद मतलब बहुत देर से ये छुपन छुपाई हम लोग के साथ खेल रहे भाई, लुक्का छुपी खेल रहे भाई इनके साथ भाई। लुका छुपी खेलते खेलते मैं तंग आ गया था भाई, देखो फिर आगे क्या होता है। फिर भाई हमने डिसाइड किया भाई चल वही जो सीन बनाते हम लोग, तुझे बलि का बकरा बनाएंगे और हम लोग निकलेंगे। पहले यहाँ पे एक रैंडम नेड मैंने कुक किया और सोचा मैंने, मुझे लगा कि यहीं पे बंदे होंगे खड़े भाई, फुटस्टेप्स यहीं से आ रहे थे बट मेरा अंदाज़ा गलत था भाई। मैंने बोला अपने बंदे को चलो भाई तुम आगे जाओ मैं देखता हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे दो पेज उल्टे ही पड़ने वाले थे भाई। मैंने शिकार किसी और को बनाया था भाई और शिकार मैं ही बन गया, ये देखो भाई बस इसने मेरा यहीं पे काम तमाम कर दिया। और मेरा बंदा भाई बहुत खुश बोल रहा था भाई कि हरदम तुम मेरा मतलब बलि का बकरा बनाते हो, इस बार तुम ही बन गए कोई नहीं भाई। बट फिर देखो भाई मेरे बंदे ने क्या किया, मेरा बंदा भी मेरे साथ खेल के थोड़ा सा भाई, ये भी तो है नूब, फिर भी थोड़ा सा भाई सही से खेलने लगा भाई ये भी। मतलब देखो भाई ये बंदा आ रहा था भाई, सो भाई ऐसा शॉट दिया बस, विनर विनर चिकन डिनर। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही गाइज हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए।